नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आई एस बाई टेक्स में सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा हमें डिले फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू तो सम टेक्निकल रीजन्स लेकिन उम्मीद करता हूँ वो समस्या आगे अब नहीं रहेगी आप मुझ तक देख पा रहे होंगे सुन पा रहे होंगे एंड देख भी पा रहे हैं तो क्या आप मुझे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं आवाज़ क्लियर आ रही है उम्मीद करता हूँ देख भी पा रहे हैं सुन भी पा रहे हैं मुझे बस दो मिनट दीजिए जल्दी से नया लिंक मैं अपडेट कर देता हूं सो so दैट बाकी विद्यार्थियों तक भी ये नया लिंक पहुंच जाए एंड वो भी इस क्लास को अटेंड कर पाए है ना बस दो मिनट दीजिए मुझे एंड ये नया लिंक Sorry. मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बस दो मिनट दीजिए दिस इज द न्यू लिंक विच आई एम शेयरिंग मेक श्योर आप इसको लाइक कर रहे हैं एंड शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ ये आपकी जिम्मेदारी है <laughs> चलिए तो इसके साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं सबसे पहले कुछ क्षमा चाहूंगा कि क्लास जितने टाइम पे होना था वो टाइम पर करीबन पांच मिनट डिले हो गई है हमारी क्लास एंड आप देख सकते हैं तो so अब हम लाइव हैं आप देख भी पा रहे होंगे सुन भी पा रहे होंगे दोस्तों तो आज हम बायोजियो केमिकल साइकिल्स पर चर्चा करने वाले हैं बायोजियो केमिकल साइकिल्स हमने पहले भी पढ़ा था एंड लेकिन हमने गैसियस साइकिल्स पढ़े थे नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था कार्बन साइकिल पढ़ा था आज कहानी आगे बढ़ाएंगे आज पढ़ेंगे फॉस्फोरस साइकिल आज पढ़ेंगे सल्फर साइकिल साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे बायोम्स क्या होते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बायोम्स हैं तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं पर इससे पहले आगे बढ़ें आप में से काफ़ी विद्यार्थी मुझे भेजते हैं हमेशा मैसेज कि सर आज डिमोटिवेट हो गए हैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो हतोत्साहित हो जाते हैं तो so, ये सुन के मुझे एक बहुत फेमस कोट याद आता है रॉकी मूवी देखी है आप लोगों ने रॉकी मूवी तो रॉकी मूवी में कैसे एक बॉक्सर बड़े रिंग तक पहुंचता है धीरे 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 और क्या प्रैक्टिस लगती है उसमें तो so, उसमें एक बहुत अच्छा लाइन है लाइन है इट एंट अबाउट हाउ हार्ड यूअर हिट इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड हाउ मच यू कैन टेक एंड कीपूंग फॉरवर्ड शब्दों में कहूं तो लाइफ में आपको पड़ते रहते, आप रहते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको मुक्के पड़े और आप नीचे गिर गए इंपॉर्टेंट क्या है मुक्के खा के फिर उठना और फिर आगे बढ़ना अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना तो मॉक टेस्ट में खराब मार्क्स आ रहे हैं मुक्का पड़ा मुह कोई बात नहीं गिर गए कोई बात नहीं खड़े हो जाइए फिर आगे बढ़िए सीखिए और इसके साथ आगे बढ़ते रहिए इसी तरीके से आप जीतेंगे एग्जाम इसी तरीके से क्लियर होता है हर बार मुक्का पड़ेगा कुछ नया सीखेंगे फिर उठना है फिर आगे बढ़ना है उम्मीद मत कीजिए लोगों से कि आपके आसपास कोई है वो आपको प्रोत्साहित करेंगे बहुत लंबी जर्नी होती है इस एग्जाम की आपके साथ वाले भी उम्मीद हो बैठेंगे लेकिन खुद पे भरोसा करना है खुद पे भरोसा कीजिए ट्रस्ट कीजिए कि आप कर सकते हैं और इसके साथ आगे बढ़ते रहिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो जल्दी से क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए और आज की कहानी इसके साथ हम करते हैं शुरू आज हमें पढ़ना है एनवायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं बायोजियो केमिकल साइकिल्स की कहानी आगे बढ़ाएंगे पिछले क्लास में हमने कार्बन साइकिल देखा था कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल कैसे साइकिल है गैसियस या सेडिमेंट्री जल्दी से बताइए मुझे कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल गैसियस साइकिल है या सेडिमेंट्री साइकिल है रोज बुरा लगता है कुछ रह जाता है तो नेचुरल है अच्छी बात है ना आपको बुरा लग रहा है मतलब आप राइट पाथ पे हैं तो बताइए भाई क्या कहना है तो गैसियस साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल अगर आप देखें तो ये कैसे साइकिल्स हैं गैसियस साइकिल्स हैं क्या ये इंटायरली गैसियस है या कुछ सेडिमेंट्री कॉम्पोनेंट होता है? Entirely gaseous है क्या ये इंटायरली गैसियस साइकिल है दे आर इंटायरली गैसियस साइकिल ट्रू या फॉल्स ट्रू या फॉल्स कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल इज इंटायरली गैसियस इन नेचर बताइए जरा इंटायरली गैसियस है क्या ये कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल क्या कहेंगे नहीं है कोई भी साइकिल नेचर में इंटायरली गैसियस या इंटायरली सेडिमेंट्री नहीं होता सभी का एक दूसरा कंपोनेंट भी होता है नेचर में कुछ भी जीरो और वन नहीं होता सब कुछ बीच बीच का होता है तो कार्बन साइकिल में भी जो ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स लेते हैं वो कोल में कन्वर्ट करते हैं तो वो कार्बन साइकिल क्या हो जाता है सेडिमेंट्री हो जाता है तो कुछ सेडिमेंट्री कॉम्पोनेंट होता है तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट गैसियस साइकल्स आज आज हम हम कहानी आगे आगे बढ़ाते हैं आज हम देखेंगे कुछ cycles, कुछ के बारे में तो इससे पहले आगे बढ़े जल्दी से आपको कहना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो मैं बताना चाहूंगा तो आप मुझसे मंडे टू फ्राइडे सुबह नौ बजे जुड़ सकते हैं जहां पे ज्योग्राफी हम खत्म कर रहे हैं ओशनोग्राफी खत्म होने वाली है और थ्री थर्टी पे मास्टर क्लास होता है जिसमें दस एम होते हैं तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं जीएस कोर्सेज भी हैं ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं सब्जेक्ट कोर्सेज भी हैं सी सैट कोर्सेज भी हैं सब कुछ आपको मिलता है हमारे सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर बस एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तीस से ज्यादा कोर्सेज हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं और आपको वो सब कुछ जो एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए डेली लाइव क्लासेस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टडी नोट्स सब कुछ आपको हम प्रोवाइड करते हैं कुछ कोर्सेज सुपर टीचर्स के द्वारा हैं जो कि बहुत नेम है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में इनके द्वारा दिया गया जो पढ़ाते हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में वही कंटेंट एज इट इज आपको हम प्रोवाइड करते हैं और जो कीमत है जीएस ऑप्शनल स नौ सौ निन्यानवे ये तब है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट मैक्सिमम डिस्काउंट और इतना ही नहीं आपको ये भी कहना चाहूँगा अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे ना सेम कंटेंट पढ़ने के लिए दो लाख से ज्यादा खर्च कर देंगे लेकिन हम आपको केवल उनतीस नौ सौ निन्यानवे में दे रहे हैं तो मेक श्योर sure इसका आप फायदा उठाए सब्सक्रिप्शन जब भी ले यूजर कूपन कोड किंजल फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है तो इससे पहले आगे बढ़े आपसे और एक सवाल है जिसका आपको जवाब देना है परफेक्ट साइकिल कौन से होते हैं रिलेटिवली परफेक्ट साइकिल कौन से होते हैं गैसियस साइकिल या सेडिमेंट्री साइकिल रिलेटिवली परफेक्ट कौन से साइकिल्स होते हैं जब तक आप इसका जवाब दे रहे हैं मैं एक मिनट में आपको कुछ चेंज करना है मैं एक मिनट में बस आ रहा हूं साइकिल्स 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 रिलेटिवली परफेक्ट हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो अगर आप देखें तो गैसियर साइकिल्स क्या होते हैं दे आर रिलेटिवली परफेक्ट इन नेचर बिल्कुल सही बात है तो आज जिन साइकिल्स की हम बात कर रहे हैं आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ सेडिमेंट्री साइकिल्स इसके बाद जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं अभी फॉस्फोरस साइकिल फॉस्फोरस साइकिल अगर आप देखें फॉस्फोरस साइकिल अगर आप देखें और सल्फर साइकिल अगर आप देखें तो ये दो साइकिल्स हैं जिन पर आज हम दो सेडिमेंट्री साइकिल्स जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी ने पास्ट में इन पर सवाल भी पूछा है तो आपको मालूम अच्छे से होना चाहिए फॉस्फोरस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल के बारे में तो क्या है फॉस्फोरस साइकिल क्या है सेडिमेंट्री साइकिल चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं इन साइकिल्स के बारे में तो फॉस्फोरस साइकिल एक सेडिमेंट्री साइकिल है यानी कि कैसा साइकिल होगा इम्परफेक्ट होगा परफेक्ट तो नहीं होगा तो कार्बन एंड नाइट्रोजन जो कि प्राइमरीली कहाँ से आते हैं एटमोसफेयर से आते हैं इनकी अगर हम बात करें इनकी अगर हम बात करें तो कार्बन एंड नाइट्रोजन जो कि एटमोसफेयर से आते हैं फॉस्फोरस अगर आप देखें तो मिनरल के रूप में फॉस्फेट रॉक्स में पाए जाते हैं और इरोजन एंड माइनिंग एक्टिविटी से ये आपको आते हुए दिखेंगे वो साइकिल में एंटर कहां से करते हैं माइनिंग एक्टिविटीज के द्वारा आप देखें तो ये एंटर करते हैं ये आपको जानना है फास्फोरस साइकिल की बात अगर मैं करूं तो तो ये सेडिमेंट्री साइकिल क्यों है क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन कहां पर मौजूद है मेन रिजर्वोयर क्या है कार्बन नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर है लेकिन फास्फोरस का क्या है लिथोस्फीयर है जमीन है जिसमें पत्थरों में मुख्य रूप से फास्फोरस और सल्फर आपको देखने मिलते हैं तो फास्फोरस अगर आप देखें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में इसका बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वॉटर क्वालिटी काफी ज्यादा फॉस्फोरस पर निर्भर करती है अगर फॉस्फोरस ज्यादा हो जाएगा तो वाटर बॉडीज में यूट्रोफिकेशन हो जाता है यूट्रोफिकेशन हो जाता है यूट्रोफिकेशन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे काफी डेप्थ में पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे डेड जोन्स वगैरह सब कुछ पढ़ने वाले हैं तो फॉस्फोरस अगर आप देखें तो मुख्य रूप से कहां पर स्टोर्ड होता है अर्थ के क्रस्ट में लैंड में फॉस्फोरस अगर आप देखें तो किस रूप में पाया जाता है फॉस्फेट रिच रॉक्स में तो रॉक्स होते हैं जो कि फॉस्फेट रिच होते हैं उनमें आप मुख्य रूप से फॉस्फोरस देखोगे पाया जाता है फिर क्या होता है आप देख रहे हो इस प्रकार से पत्थर है जो कि फॉस्फोरस रिच है बारिश होगी क्या होगा पत्थर का वेदरिंग होगा याद है हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है जियोग्राफी में पढ़ा है तो फॉस्फोरस की जब वेदरिंग होगी तो ये नदी के साथ के साथ रूप में क्या होगा आगे बढ़ेगा किसी वाटर बॉडी में जाएगा कुछ टाइम बाद समुद्र में भी जाएगा तो इस प्रकार से साथ ही साथ जब ये मटेरियल लैंड में रहेगा तो प्लांट्स भी क्या करेंगे इसे कंज्यूम कर लेंगे कंज्यूम कर लेंगे फिर ये प्लांट जब मरेगा

रनऑफ के रूप में लीज फॉस्फोरस समुद्र में चला जाएगा और ये सोल्यूशन के रूप में फॉस्फेट पानी में रहेगा और धीरे 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 कई मिलियंस ऑफ इयर्स में यह धीरे धीरे बॉटम में सेटल करता जाएगा और धीरे धीरे जमता जाएगा और फॉस्फोरस रिच न्यू रॉक्स जमते जाएंगे जमते जाएंगे और यहाँ पे फॉस्फेट रिच रॉक्स बन जाएंगे फिर कई मिलियंस ऑफ इयर्स बीतेंगे उसके बाद क्या होगा अपलिफ्टिंग होगी और ये फॉस्फोरस एच रॉक्स कुछ पहाड़ बन के ऊपर आ जाएंगे और फिर वापस यही प्रोसेस होगी वेदरिंग होगा और ये फॉस्फेट रॉक्स रन ऑफ के साथ धुलते हुए वापस से इस साइकिल को तब्दील होते हुए होते हुए आपको दिखेगा तो ओशन में फॉस्फोरस अक्यूमुलेट करता जाएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ में इन सोल डिपोजिट के रूप में मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद फिर क्या होगा अपलिफ्टिंग होगी और वो पत्थर बन जाएगा तो समझ आया फॉस्फोरस साइकिल कैसे चल रहा है तो ये सेडिमेंट्री साइकिल है इसका गैसियस कंपोनेंट आपको अधिकतर देखने नहीं मिलेगा हालांकि फास्फोरस का भी गैसियस कंपोनेंट होता है P2O5 जैसे कई फास्फोरस आपको देखने मिलेंगे कंपाउंड्स हैं जो कि फास्फोरस रिच हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जाता है लेकिन माइनर है बहुत माइनर है मुख्यतः फॉस्फोरस कैसा साइकिल है सेडिमेंट्री साइकिल है लैंड में है लैंड से ओशन ओशन से लैंड इसी प्रकार से घूमता रहता है तो ये कैसा साइकिल हुआ सेडिमेंट्री साइकिल याद रखिएगा अगर किसी वाटर बॉडी में फॉस्फोरस की क्वांटिटी बढ़ जाए तो उससे क्या होता है उससे वो वाटर बॉडी में यूट्रोफिकेशन हो जाता है यूट्रोफिकेशन यानी उसमें मिनरल सप्लाई बढ़ जाती है और इस प्रकार से वाटर बॉडी खराब हो रहा है कैसे खराब हो रहा है क्यों हो रहा है बाद में हम पढ़ेंगे तो ये समझ आया फॉस्फोरस साइकिल सभी को फॉस्फोरस साइकिल सभी को समझ आया नेक्स्ट देखते हैं सल्फर भी सिमिलर कुछ अलग नहीं है यह भी सिमिलर है सल्फर भी वैसे ही सॉइल्स में रहता है रिजर्वायर इसका मुख्य रूप से क्या है लिथोस्फेयर है जमीन है सोइल एंड सेडिमेंट्स में रहता है सल्फर रिच रॉक्स होते हैं वैसे ही ऑर्गेनिक फॉर्म में कोल ऑयल पीट इन सब में भी क्या होता है सल्फर होता है वैसे ही आप देखो रॉक्स की बात करूं तो पाइराइट रॉक्स कहते हैं जो कि सल्फर रिच रॉक्स होते हैं उनमें भी आपको सल्फर देखने मिलता है और अलग अलग रूप से रहता है सल्फेट्स के फॉर्म में सल्फाइड्स के फॉर्म में ऑर्गेनिक सल्फर भी होता है तो इस प्रकार से सल्फर मुख्यतः लैंड में देखने मिलता है फिर क्या होता है सेम कहानी बारिश होगी क्या होगा वेदरिंग होगा वेदरिंग होगा रॉक्स क्या होंगे होके पानी में चले जाएंगे समुद्र भी हो सकता है कोई लोकल वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड लेक भी हो सकता है फिर क्या होगा वैसे ही जैसे हमने यहां पे पढ़ा था कुछ सॉइल में जाता है सॉइल में जाता है तो प्लांट्स वगैरह क्या करते हैं इसको कंज्यूम भी करते हैं फिर ये मरते हैं तो डेट्री एक्टिव हो जाएंगे और इसको सॉयल में सल्फेट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचा देंगे इस प्रकार से आप देखो तो मुख्यतः सल्फर किसमें घूमता रहता है रॉक में घूमता रहता है फिर लीचिंग होगी रन ऑफ होगा तो ये वापस वाटर बॉडी में चला जाएगा जहां पे ये क्या हो जाएगा सल्फाइड के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा फिर कई मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद अपलिफ्टिंग होगी तो ये सल्फाइड क्या हो जाएगा वापस पहाड़ बन के जमीन पे आ जाएगा तो सल्फर साइकिल मोस्टली सेडिमेंट्री होता है लेकिन दो एक्सेप्शन है एक है हाइड्रोजन सल्फाइड एच टूएस दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड जो कि क्या है इसका गैसियस कॉम्पोनेंट है तो जितने भी माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं वो अगर आप देखें तो एन एरो डिकम्पोजिशन जब होता है तो एच टूएस जनरेट करते हैं तो इस प्रकार से एटमोसफेयर में एच टूएस जाता है हम भी हम भी एच टू एस काफी ज्यादा जनरेट करते हैं कैसे करते हैं कमेंट में बताइए तो एच टू एस हम भी जनरेट करते हैं तो हो रहा है गट माइक्रोब्स है पेट में वो क्या कर रहा है खाना खा रहे हैं उसको डिकम्पोज कर रहा है उसको क्या कर रहा है ब्रेक डाउन कर रहा है और इस प्रोसेस में जो गट में पेट में जो माइक्रोब्स है वो भी क्या कर रहे हैं एच टू एस बना रहे हैं और इस प्रकार से सल्फेट्स क्या होता है एटमोस्फेयर में भी जाता है वैसे ही वॉल्केनिक होती है तो उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाता है वैसे ही जब आप फॉसिल फ्यूल लाइक कोल ऑयल जो कि जिसमें सल्फर है उसको जब आप बर्न करते हो तो वो भी क्या करता है टू जनरेट करता है ये एसओ टू के साथ क्या होगा ओवर टाइम एसिड रेन के रूप में एसिड रेन का प्रोसेस हम पूरा पढ़ेंगे। लेकिन अभी जानिए जब एसिड रेन होगा तो ये एटमॉस्फेयर का सल्फर वापस सॉयल में आ जाएगा वापस में आ जाएगा तो सल्फर प्लांट्स किस रूप में लेते हैं सल्फेट्स के रूप में लेते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू सल्फर बियरिंग सल्फर रिच अमीनो एसिड्स बनाते हैं अमीनो एसिड्स बनाते हैं जो कि उनके टिश्यूज में इनकॉर्पोरेट हो जाता है ऑटोट्रॉफ सेट्रोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ के टिश्यू में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और जैसे ही ग्रेजिंग फूड चेन में कोई हेट्रोट्रॉफ उसे कंज्यूम करता है तो वो सल्फर क्या होता है हेट्रोट्रॉफ की बॉडी में आ जाता है है ना बाकी जब ये वापस मरता है जानवर या प्लांट तो क्या होता है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होती है जिससे सल्फर वापस सॉइल में आ जाता है या फिर ये जानवर जब एक्सक्रीट करता है तो उसमें भी क्या होता है वापस से सल्फर सॉइल में आ जाता है तो इस प्रकार से आप देख रहे हो तो सल्फर साइकिल मुख्यता कैसा है सेडिमेंट्री है क्या इसका गैसियस कॉम्पोनेंट है बिल्कुल है बट मुख्यता आप देखो तो कैसा है सेडिमेंट्री साइकिल है क्या यह समझ आया समझ आया सभी को फास्फोरस साइकिल सल्फर साइकिल चलू क्लियर है अभी तक कितनी क्लास हुई है एनवायरनमेंट की आई गेस सातवीं क्लास है आज है ना ठीक है तो ये कहानी क्लियर हुई तो क्या याद रखना है आपको टेक अवे क्या है टेक अवे नाइट्रोजन साइकिल गैसियस साइकिल है कार्बन साइकिल भी गैसियस साइकिल है दोनों में कुछ सेडिमेंट्री कंपोनेंट है वैसे ही फॉस्फोरस साइकिल एक सेडिमेंट्री साइकिल है सल्फर साइकिल एक सेडिमेंट्री साइकिल है लेकिन दोनों में ही गैसियस कंपोनेंट है इनमें यूपीएससी ने बहुत सवाल बनाया है लास्ट सवाल मुझे लगता है दो साल पहले आया है इसी टॉपिक से तो आपको क्या होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट नाइट्रोजन साइकिल स्पेशली बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लोग कहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है अमोनिफिकेशन ये जो चार है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या है नाइट्रिफिकेशन क्या है अमोनिफिकेशन क्या है डी नाइट्रिफिकेशन क्या है ये चार के चार प्रोसेस आपको नाइट्रोजन साइकिल के बिल्कुल क्लियर होने चाहिए चलिए अब आते हैं आज के दूसरे टॉपिक पर बायोम्स, बायोम्स तो बायोम्स क्या है ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स है जो कि सेम क्लाइमेट एंड सिमिलर कम्युनिटी यानी लिविंग लाइफ जो उस इलाके में रहती है उसके द्वारा डोमिनेटेड है बायोम्स बहुत बड़ा होता है जैसे टुंडरा बायोम टाइगा बायोम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम इतना बड़ा है तो कुछ साउथ अमेरिका में कुछ अफ्रीका में कुछ एशिया में लेकिन इन सभी इंडिविजुअल इलाकों में अगर आप देखोगे तो सिमिलर टाइप का आपको इकोसिस्टम देखने मिलेगा जिसमें जो बायोटिक कम्युनिटी है ऑलमोस्ट दी सेम सेम है टाइप के एवरग्रीन पेड़ देखने मिलते हैं वैसा ही आपको लाइफ फॉर्म बहुत ही रिच आपको एनिमल लाइफ भी देखने मिलता है लग्जूरियंट वेजिटेशन देखने मिलती है तो ये क्या है ये एक बायोम है सेपरेटेड बाई सीज यूनाइटेड बाई लाइफ फॉर्म क्या होता है ये? बायोम होता है तो बायोम्स क्या है ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है. ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम है जैसे कि आप देखो तो अपने आप में ये एक अलग इकोसिस्टम है ये भी अलग इकोसिस्टम है ये भी अलग इकोसिस्टम है, है तीनों में काफी डिफरेंसेस भी हैं लेकिन ऑन अ ब्रॉडर स्केल सिमिलैरिटी है क्योंकि बात होती है उनके क्लाइमेट में सिमिलैरिटी बात होती है तो उनके वेजिटेशन के टाइप में सिमिलैरिटी है कैसा स्ट्रगल चल रहा है उस इकोसिस्टम में दैट इज ऑलमोस्ट दी सेम लिमिटिंग फैक्टर सर इकोसिस्टम के होते हैं डेजर्ट में पानी है ना वैसे ही आप जाओगे पोलर रीजन में टेम्परेचर हीट एक लिमिटिंग फैक्टर है तो वो सब सिमिलर है तो समझ आया बायोम क्या होता है सर बायोम्स वी डिड क्लाइमेटिक जोन इन क्लाइमेटोलॉजी ऑलमोस्ट यस तो ये जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूं जब मैंने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाया है तो ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड होराइजन में पढ़ाया क्योंकि वहां पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट था जब मैं क्लाइमेटोलॉजी में आपको पढ़ा रहा था तो मुझे ज्योग्राफी समझानी जरूरी थी कि मेडिटेरेनियन रीजन में विंटर रेन क्यों होता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में क्यों आप देखोगे तो अलग अलग समर सीजन सीजन नहीं दिखते तो क्या ज्योग्राफी है वहां पर फोकस क्या था ज्योग्राफी समझने में यहां पर फोकस क्या होगा हमारा यहां पर हमारा फोकस होगा यहां पे कैसा लाइफ फॉर्म है है ना यहां पर कैसे कम्युनिटीज है वो समझने में क्लियर क्या अंतर होने वाला है अप्रोच में अंतर होने वाला है ऑलमोस्ट हम सेम चीज पढ़ रहे हैं तो दो बायोम कभी भी एक जैसे नहीं होते उनमें हर बायोम की एक यूनिक क्लाइमेट होती है जैसे कि जब मैं कह रहा हूं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम कौन सा क्लाइमेट है ये जरा बताओ मुझे ये कौन सा क्लाइमेट टाइप है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम में कौन सा क्लाइमेट है लार्जली कौन सा क्लाइमेट है मॉनसून है इक्वेटोरियल है मेडिटरेनियन है सवाना है क्या है अरे बोलो भूल बोल गए क्या इक्वेटोरियल क्लाइमेट है बहुत बढ़िया तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है तो वही कह रहे हैं ना बायोम्स में अगर आप देखोगे तो उनमें डिस्टिंक्ट क्लाइमेट होता है जिसमें सिमिलर टाइप का प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर पैटर्न होता है पूरा का पूरा हमने रेन फॉरेस्ट बायोम देखा उन सब में इक्वेटोरियल क्लाइमेट है प्रेसिपिटेशन कैसी होती है वही सेम शाम को चार बजेगा और बारिश हो जाएगी तीन चार बजे तक बारिश शुरू हो जाती है टेंपरेचर कैसा होता है वार्म होता है ठंड नहीं होती सीजनलिटी नहीं होती और इस वजह से वहां का वेजिटेशन भी कैसा होता है सिमिलर हो जाता है वहां का एनिमल लाइफ भी कुछ हद तक सिमिलर होता है सोइल टाइप भी सिमिलर हो जाती है तो बायोम्स में डिस्टिंक्ट क्लाइमेट होता है सिमिलर वेजिटेशन एनिमल लाइफ एंड सोइल टाइप होता है अंतर है ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम है बिल्कुल सेम नहीं है बिल्कुल सेम नहीं है अफ्रीका में आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में भी एक स्पेशल हाथी मिलते हैं जो छोटे साइज के होते हैं कंपेयर टू सवाना एलिफेंट बुश एलिफेंट होता है यहाँ पे साउथ अमेरिका में नहीं मिलता है बुश एलिफेंट है ना सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है एनिमल लाइफ में अंतर है अंतर है डेफिनेटली है लेकिन लेकिन ओवरऑल ऊपर तरीके से देखो मैक्रोस्कोपिक तरीके से देखो तो कुछ सिमिलैरिटी है तो हर बायोम का जो बाउंड्री डिसाइड करता है वो क्या होता है क्लाइमेट होता है क्योंकि क्लाइमेट ही तो है वो फैक्टर जो कि वहां के वेजिटेशन को एनिमल लाइफ को सॉइल टाइप को डिसाइड कर रहा है अगर कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है जैसे इक्वेटोरियल रीजन में तो वहां पे सॉइल कैसा हो जाता है तो आप देखोगे वहां पे लेट्राइटिक सॉइल हो जाता है इंपैक्ट है किसका इंपैक्ट है क्लाइमेट का इंपैक्ट है पे वैसे ही कहीं पर बोरियल फॉरेस्ट है है ना इस प्रकार का क्रिसमस ट्री वाला याद है ना बोरियल हमने पढ़ा था टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट तो ये फॉरेस्ट की क्या खासियत होती है ये एसिडिक को जमीन पर गिराते हैं और इसलिए सॉइल कैसा हो जाता है इनका एसिडिक सॉइल हो जाता है एसिडिक सॉइल हो जाता है क्या कहते हैं इस सॉइल को पॉडजोल तो इसीलिए आप देखो तो क्लाइमेट सिमिलर होने की वजह से वेजिटेशन एनिमल सॉइल टाइप ये सब में भी सिमिलैरिटी होती है तो क्लाइमेट ही बाउंड्री डिटरमिन कर रहा है हर बायोम का लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशन में प्रेफर करते हैं तो इसीलिए आप अगर देखें तो एनिमल एंड प्लांट उस रीजन में ही पाए जाते हैं जो उनको सूट करता है पोलर बेयर की बात कर लेते हैं तो ये वहां पाया जाएगा जहां पे लो टेम्परेचर है लो ह्यूमिडिटी है जैसे कि आर्टिक रीजन अब पोलर बेयर किसी भी हालत में इक्वेटोरियल में तो नहीं मिलेगा तो इसलिए लाइफ फॉर्म भी क्या है कुछ सिमिलर आपको देखने मिलता है तो बायोम्स को हम पांच मेजर क्लासेस में डाल सकते हैं हर क्लासेस की अपनी अपनी सर्टन लिमिटिंग फैक्टर है प्रोडक्टिविटी लिमिटिंग फैक्टर्स हैं लिमिटिंग फैक्टर क्या हुआ जो वहां पर कम है जैसे डेजर्ट में पानी है ना बोरियल रीजन में जैसे कि डेजर्ट में पानी वैसे ही टुंड्रा में आर्टिक रीजन में क्या हो जाता है हीट टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है सब कुछ वार्म जहां पर होगा वहीं पर लाइफ थोड़ी बहुत देखने मिलती है तो लिमिटिंग फैक्टर्स भी फिक्स होते हैं प्रोडक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी भी कुछ सिमिलर होती है और उनके आधार पे इनको हम फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं तो बायोम्स का एक प्रकार है एक्वेटिक एक्वेटिक एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी पानी वाला और एक्वेटिक बायोम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं फ्रेश वाटर बायोम में और मरीन बायोम में फ्रेश वाटर यानी खारा पानी नहीं है मीठा पानी है जहां स्वीट वाटर है लेस देन फाइव पार्ट्स पर थाउजेंड जिसकी salinity है अब तो आपको ओशनोग्राफी भी पढ़ाया है salinity भी मालूम है तो मैं टेक्निकल टर्म्स गिरा सकता हूं लेस देन फाइव पार्ट पर थाउजेंड वाला जैसे कि पॉन्ड जैसे कि लेक्स जैसे कि नदी जैसे कि झरना जैसे कि वेटलैंड पॉन्ड वगैरह बॉग्स स्वाम्पस ये सब क्या है फ्रेश वाटर बायोम हो गए वैसे ही होता है मरीन बायोम गहरा ओशन का पानी कोरल कोरलरीज मैंग्रोव स्वैम्स ये सब मरीन बायोम के ही अंदर इंक्लूड किए जाते हैं फिर होता है फॉरेस्ट बायोम इसमें इंक्लूड होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट एंड बोरियल या फिर टाइगर फॉरेस्ट फिर होता है ग्रासलैंड बायोम जिसमें सवाना ग्रासलैंड भी है टेम्परेट ग्रासलैंड भी है फिर होता है डेजर्ट बायोम जिसमें हॉट पोस्टल एंड कोल्ड तीन प्रकार के डेजर्ट होते हैं फिर होता है टुंडरा बायोम जिसमें आर्कटिक भी है एल्पाइन भी है तो ये सब क्या है बायोम के पांच कैटेगराइजेशन हैं, ये पांच मेजर क्लासेस हैं जिनके अंदर फर्दर सब डिवीजन है क्लियर है तो आइए एक एक करके देखते हैं टुन्डरा बायोम, टुंड्रा बायोम, टुंड्रा बायोम दो प्रकार का होता है कैसा आक्टिक भी है एल्पाइन भी है एल्पाइन यानी पहाड़ वाला हाई माउंटेन हिमालयाज में एंडीज़ में एल्प्स में अपर एल्टीट्यूड में क्या होता है हाई टेम्परेचर बहुत लो टेम्परेचर है ना स्नोफॉल ग्लेशियर्स कुछ वैसा ही है ना आर्कटिक रीजन जैसा तो टू टाइप्स ऑफ टुंड्रा बायोम है एक हो गया आर्कटिक टुंड्रा दूसरा हो गया एल्पाइन टुंडरा आर्टिक टुंडरा यानी पोलर रीजन में पाया जाने वाला टुंड्रा जैसे कि अंटार्क्टिका में जैसे कि नॉर्थ पोल के पास तो ये सब क्या है आर्टिक टुंडरा तो इसी में अगर आप देखो तो टुंडरा में कोई ट्रीज नहीं होते क्यों क्योंकि सॉइल कैसा है फ्रोजन रहता है परमा फ्रॉस्ट देखने मिलता है सॉइल पे हमेशा फ्रोजन रहता है तो पेड़ क्या होता है ग्रो नहीं हो पाता है इसमें लोएस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन देखने मिलेगा मॉसेस लाइक जो कि बेयर रॉक्स में Isolated pockets में मिलता है जहां पे थोड़ा वॉर्म थो, वहीं पर ये ग्रो होते हैं समर में यहाँ पे अगर आप देखो तो जाहिर सी बात है क्योंकि क्यों पे? क्योंकि ये करते हैं। करने में चाहिए, उतना टाइम नहीं है यहाँ पे ट्रा रीजन है यहाँ पर साल में हार्डली 20-25 डेज ऐसा टाइम होता है जब लाइफ को सस्टेन किया जाया जा सकता है तो बस उसी टाइम पे मोसेज लाइकन एसेक्सुअली फटाफट रिप्रोड्यूस कर लेते हैं समर में अगर आप देखो तो बर्ड्स क्या करते हैं समर में जब टुंडरा बायूम क्या हो रहा होगा कुछ गर्म हो रहा होगा तो बर्ड्स क्या करते हैं नीचे के लैटिट्यूड से ऊपर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं और जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह स्नो से इमर्ज करते हैं उन पर फीड करते रहते हैं एनिमल्स यहां पे अगर आप देखो तो आर्कटिक फॉक्स मिलेगा रेनडियर मिलेगा ऑक्स मिलेगा पोलर बियर मिलेगा लेमिंग्स मिलेंगे हेयर मिलेगा और इन सब का डबल कोट होता है डबल कोट क्यों क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है डबल कोट ही सरवाइव कर पाएगा तो एक आउटर कोट होता है व्हाइट कलर का और एक अंदर का कोट होता है ब्राउनिश कलर का तो समर में जो आउटर व्हाइट कोट होता है उसको वो शेड कर देते हैं गिरा देते हैं क्योंकि गर्मी हो जाती है विंटर्स में वापस आउटर वाइटेज कोट वापस आ जाता है सर इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीकिंग नाउ सर हाँ इंग्लिश टू इंग्लिश देखिए आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद द लैंग्वेज एज सच पॉइंट इज दिस इज अ अंग्वल क्लास तो यहां पर कंटेंट इज इन इंग्लिश एक्सप्लेनेशन इज इन हिंदी ठीक है आई अंडरस्टैंड चलिए तो मैमल्स अगर आप देखें तो इनकी बॉडी साइज बहुत बड़ी होती है यहां पे छोटा मैमल छोटा साइज का जानवर यहां पर कीड़े वगैरह बहुत ज्यादा आपको देखने नहीं मिलेंगे लार्ज बॉडी साइज होती है जिसमें ईयर एंड टेल आप देखोगे तो कैसा है स्मॉल साइज का है ईयर एंड टेल कैसा है स्मॉल साइज का है क्यों कान और पूछ छोटे क्यों हैं क्योंकि कान और पूंछ अगर आप देखे तो यहां से अपना कान छूए ठंडा है छूके देखिए अपना कान सब कोई छूए टच कीजिए ठंडा है शरीर के बाकी टेम्परेचर से कान ठंडा है कि नहीं है अब अभी मम्मी ने कान घुमाया हो तो बात अलग है गर्म होगा लेकिन अभी देखिए के ठंडा लगेगा आपको क्यों क्योंकि कान क्या कर रहा है कंटिन्यूसली हीट रिलीज कर रहा है हीट का ये वेंट आउट होता है जैसे चिमनी होती है फैक्ट्री में वैसे ही आपके कान है जिससे क्या हो रहा है बॉडी हीट रिलीज कर रहा है, तो पोलर रीजन में टुंड्रा बायो में टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम है तो हम क्या चाहेंगे जो बॉडी का हीट है कहीं से भी निकले ना मिनिमम रिलीज हो तो इसीलिए कान क्या होते हैं छोटे होते हैं पूंछ क्या होती है छोटी होती है छोटे जानवर भी आपको यहां पर देखने नहीं मिलेंगे बड़े बड़े जानवर जैसे आपको पोलर बेयर जैसा देखने मिलेगा कीड़े वीड़े ज्यादा नहीं देखने मिलेंगे क्यों हीट कहां से रिलीज होती है सरफेस एरिया से है ना जो शरीर का सरफेस है वहीं से हीट रिलीज होगी तो सरफेस एरिया हम क्या चाहेंगे ज्यादा हो कि कम हो यहां पे रहने वाले जानवर का सरफेस एरिया क्या हो ज्यादा हो कि कम हो मिनिमल हो मिनिमल कम से कम तो अगर जानवर बड़ा होगा तो वॉल्यूम टू सरफेस एरिया अगर आप निकालोगे ना उसका जो साइज है जो वॉल्यूम है और जो सरफेस एरिया है बड़े जानवर में आप पाओगे कि जो वॉल्यूम है रिलेटिवली उसके अनुपात में सरफेस एरिया उसका कम होता है छोटे जानवर का फ्लैट सा एक स्ट्रक्चर ले ले है ना एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर ले लीजिए जैसे कीड़ा है तो कीड़े में अगर आप देखोगे तो क्या होगा उसका वो कीड़े को अगर आप देखोगे तो उसका वॉल्यूम बिल्कुल कम है लेकिन सरफेस एरिया काफी ज्यादा है तो इसलिए छोटा जानवर या छोटे कीड़े मकोड़े यहां पर ज्यादा देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू वॉल्यूम तो इस वजह से वो हीट ज्यादा जनरेट करता रहेगा रिलीज करता रहेगा लेकिन यहां पर वैसा नहीं है बड़ा जानवर है तो सरफेस एरिया कम है वॉल्यूम ज्यादा है क्लियर है मैथमेटिकली बताऊं एलन प्रिंसिपल बहुत बढ़िया यही है स्निधि इसी को क्या कहते हैं एलन प्रिंसिपल यही मैं जानना सुनना भी चाह रहा था तो एलन प्रिंसिपल है एलन प्रिंसिपल क्या कहता है कि यहां पर छोटे जानवर आपको ज्यादा देखने नहीं मिलेंगे ठीक है ये आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट है टाइगा बायोम टाइगा बायोम टाइगा बायोम अगर आप देखोगे तो कहां देखने मिलता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना तो साइबेरिया वाला इलाका ये सब क्या है टाइगा बायोम है तो बोरियल फॉरेस्ट यहां पर देखने मिलते हैं इस प्रकार के वेजिटेशन को ही कहते हैं बोरियल फॉरेस्ट ये बोरियल फॉरेस्ट क्या करते हैं और... इनका जो कोन है गिरता रहता है सॉइल पे है ना सॉइल में जब जब गिरेगा इनका कोन क्या होगा अब यहां पर माइक्रोबियल एक्शन तो ज्यादा है नहीं सॉइल में क्यों टेम्परेचर क्या है बहुत ज्यादा कोल्ड है इसलिए माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन यहां पर बिल्कुल स्लो होती है स्लो होती है तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन जब स्लो हो जाती है तो यहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में गिर रहा है गिर रहा है, गिर रहा रहा है, है, वो क्या होता जाएगा वो क्या होता जाएगा पड़ता जाएगा पड़ा रहेगा पड़ा पड़ा रहेगा, पढ़ा रहेगा, धीरे धीरे ऑर्गेनिक लेयर बन जाएगा सॉइल के ऊपर और वो ऑर्गेनिक मैटर क्या करेगा धीरे धीरे ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करने लगेगा ये ऑर्गेनिक एसिड्स क्या करेंगे सॉइल में जितना भी न्यूट्रिएंट है पोटेशियम कैल्शियम सबको घुला के नीचे के लेयर में पहुंचा देंगे और ऊपर का सॉइल क्या हो जाएगा विदाउट कैल्शियम विदाउट पोटेशियम बस और बस सिलिका छूट जाएगा सैंड छूट जाएगा और इस प्रकार का सॉइल आपको देखने मिलेगा ये कैसा सॉइल कहलाता है पॉडजोल ये सॉइल कैसा होता है एसिडिक होता है और फर्टाइल नहीं होता क्लियर है एवरग्रीन का फॉरेस्ट यहाँ पर देखने मिलते हैं जैसे स्प्रूस फर पाइन ये सब आपको यहाँ पर देखने मिलता है बोरियल फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी होती है फॉरेस्ट इकोसिस्टम की तुलना में काफी कम है कम है अदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम जैसे कि हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात करें तो उसके तुलना में बहुत कम प्रोडक्टिविटी इसकी होती है एनिमल्स क्या मिलते हैं साइबेरियन टाइगर वलवरीन वलवरीन जानते हो क्या होता है एक जानवर होता है आप लोग बुलवरिन सोचते ही एक्समैन वाला वो ऐसा वुलवरीन सोचते हैं वो वुलवरिन एक जानवर होता है उसी से जो एक्समैन सीरीज में वुलवरीन जानवर का एडेप्टन लिया गया है उसका सोर्स वही जानवर है छोटा सा होता है थोड़ा भयानक सा होता है बुलवरीन आप लोगों ने मूवी वाला तो सुना है ना आई एम प्रोर आपने ये बुलवरीन नहीं देखा है लेकिन मूवी वाला बुलवरीन तो जानते हैं ना आप सभी तो एक्चुअल में क्या है ना जो कॉमिक्स पढ़ोगे तो वो बुलवरीन की जो खासियत है कि वो पांच फिट उसकी हाइट है यानी कि हाइट में छोटा है लेकिन काफी पावरफुल है तो इसीलिए इस जानवर से इंस्पायर होके उसका नाम वुलवरीन रखा गया है बाद में हमने क्या किया मूवीज में उसको क्या नाम है उस हीरो का वुलवरीन जो बनता है बहुत फेमस हीरो है जैक क्यूब जैकमैन क्यूब जैकमैन है ना तो उससे इंस्पायर होके अब हट्टा कट्टा आदमी बना दिया अदरवाइजेशन एक्चुअल कॉमिक्स में वेरी वेरी स्मॉल लेकिन पावरफुल इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस एनिमल नेक्स्ट अगर आप लिंक्स है, वुल्फ है, आता है, रेन फॉरेस्ट ये भी एक बायोम है पे एक रेन वाले इलाके में आपको देखने मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है ना तो यहां पे अगर आप देखो तो हाई टेम्परेचर होता है इक्वेटोरियल रीजन है एबंडेंट रेनफॉल रोज बारिश होती है तो इस वजह से यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि लग्जूरियंट होता है लग्जूरियंट यानी बहुत ज्यादा डेंस घना इस प्रकार का आपको देखने मिलता है इक्वेटोरियल वेजिटेशन में कई प्रकार के एवरग्रीन ट्रीज एक साथ रहते हैं महोगनी इबोनी डाईवुड्स अलग अलग प्रकार के पेड़ आपको एक साथ देखने मिलते हैं यहाँ पर अगर आप वेजिटेशन देखोगे तो कैसा है तो यहाँ पर अगर आप वेजिटेशन देखोगे अगर छोटा सा लैंड है ना तो यहाँ पे पेड़ का एक स्पीशीज बगल में ही दूसरा स्पीशीज उसके बगल में तीसरा उसके बगल में चौथा तो इस प्रकार से कई स्पीशीज एक साथ आपको देखने मिलते हैं तो यहां पे जो पेड़ होता है बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे होते हैं कारण क्या होता है इतना डेंस वेजिटेशन है कि सनलाइट के लिए स्ट्रगल हो रही है सब पेड़ एक दूसरे से लंबा होना चाहते हैं ताकि सनलाइट ले सके तो इसीलिए सारे प्लांट्स अपवर्ड स्ट्रगल करते हैं लेकिन साथ में कुछ चतुर पौधे भी होते हैं जैसे एपीफाइट एपीफाइट दिखाया है ना आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पढ़ाते टाइम ज्योग्राफी में epiphyte क्या करते हैं जल्दी से बता दो एपिफाइट्स क्या करते हैं पेड़ है इस प्रकार से तो उसी के ब्रांच में अपना घर बना के रह लेंगे उसी के ब्रांच में लग जाएंगे उसी को जो पेड़ का ब्रांच है उसी से चिपक जाएंगे और अपना फोटो सिंथेसिस करेंगे दे आर नॉट पैरासाइट्स जैसे सॉइल में प्लांट लगता है वैसे ही नो मैकडैडी मैकडैडी क्या नाम है दे आर नॉट पैरासाइट्स लाइक नो 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 नॉट ऑल नॉट ऑल दे आर नॉट पैरासाइट्स ये अपना खाना खुद बनाते हैं फोटो करते हैं कौन सा रिलेशनशिप है एमिसलिज्म क्या हुआ ये क्या हुआ ये है, है क्या करते हैं दूसरे पेड़ में जैसे रूट में प्लांट लगता है सॉइल में प्लांट लगता है ना वैसे ही प्लांट के ब्रांच में दूसरा प्लांट आके ग्रो करने लगता है बस उससे ऊपर बैठ के सनलाइट ले लेता है सनलाइट ले लेता है और आप देखोगे तो इसके सिवा जो मॉइस्चर है बारिश बहुत हो रही है तो हमेशा नमी बनी रहती है हमेशा नमी बनी रहती है ब्रांचेस में तो वहीं से वो न्यूट्रिशन ले लेता है डैडी से यूपीएससी नहीं दिया भाई कभी <laughs> कोई बात नहीं अब दीजिए अब सीख लीजिए दे आर नॉट पेरासाइड्स है ना ये क्या करते हैं इसको मैंने पढ़ाया है आपको प्लस जीरो रिश्ता है प्लस जीरो रिश्ते को क्या कहते हैं क्या कहते हैं कमेनसलिजम कमेनसलिजम दिखाऊं आओ पीछे चलते हैं क्या रिश्ता है वाला एक का तो फायदा हो रहा है सनलाइट मिल रहा है न्यूट्रिशन ले रहा है बैठ गया है दूसरे को ना फायदा ना नुकसान बैठो यार इतने पेड़ में इतने लोग बैठते हैं मेरा क्या जा रहा है बैठ जाओ तो एक पौधा बैठा हुआ है ये क्या है वाला रिश्ता है तो ये क्या करना है याद रखियेगा तो एपीफाइट पिछले साल का यूपीएससी का सवाल है फिल्म ने पूछ लिया था एपीफाइट कहां पर देखने मिलते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे आप अगर देखोगे टुंडरा ये आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम में ठीक है लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं हाई प्रोडक्टिविटी है हाई बायोडाइवर्सिटी है और वाइड है इकोलॉजिकल निश मल्टीपल है बहुत सारा यहां पर आपको इकोलॉजिकल निश देखने मिलता है क्लियर है बाकी डेप्थ में पढ़ना है तो क्या करोगे क्लाइमेटोलॉजी वाले लेक्चर सीरीज में जाओगे वहां पे हर बायोम पे हर क्लाइमेट टाइप पे एक लेक्चर मैंने डेडिकेट किया है तो वहां पर आप अच्छे से पढ़ सकते हो चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेसीडुअस फॉरेस्ट बायोम डेडुअस फॉरेस्ट क्या एवरग्रीन पे कभी भी पतझड़ का मौसम नहीं आता पत्ते हमेशा लगे रहते हैं क्या रेन फॉरेस्ट बायोम के पेड़ के पत्ते कभी गिरते ही नहीं है क्या यह सही है ट्रू या फॉल्स रेन फॉरेस्ट बायोम में पेड़ के पत्ते नहीं गिरते फॉल्स <laughs> चलिए आपको जो अच्छा लगे यहाँ पे थोड़ा कंटेंट अभी दे रहे हैं कंटेंट भी बहुत जरूरी है एग्जाम क्लियर करना है तो हमें मालूम होना चाहिए glad, आपको जियो पॉलिटिक्स वाले न्यूज भी पसंद आते हैं गिरते हैं सर बहुत बढ़िया रेन फॉरेस्ट बायो में गिरते हैं लेकिन कोऑर्डिनेटेड तरीके से नहीं गिरते ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा पेड़ का क्योंकि सीजन नहीं होता ना यहाँ पे यहां पे सीजन वाला फैक्टर नहीं है रेन फॉरेस्ट बायोम में हमेशा गर्मी बनी रहती है कभी नहीं होता विंटर आ रहा है कभी नहीं होता कि पानी की कमी है पत्ते गिराओ हर पेड़ अपने अपने सुविधा के अनुसार पत्ते गिराता है नए पत्ते लाता है तो इसलिए रेन फॉरेस्ट बायोम में कभी पतझड़ का सीजन नहीं देखने मिलता लेकिन डेसीडुअस फॉरेस्ट बायोम में क्या होता है पत्ते गिरते हैं एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से गिरते हैं और इसलिए ऐसा लगता है मानो एक साथ पूरा का पूरा पेड़ नंगा हो गया हो जंगल ही नंगा हो गया हो और कुछ टाइम बाद जंगल में एक साथ वापस नए पत्ते आ गए हो अब यह होता है टेम्परेट क्लाइमेट में भी और दूसरा ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी टेम्परेट डेसीडुअस मेडिटरेनियन क्लाइमेट जिसको हम कहते हैं वहां पर देखने मिलता है तो यहां पे अगर आप देखो तो विंटर्स कैसा होता है बारिश वाला होता है है ना तो इसके सिवा आप अगर देखो तो फायर यहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहां पे जो प्लांट्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं पायरो का मतलब होता है फायर फाइटिक का मतलब लविंग तो दीज प्लांट्स आर फायर लविंग जंगल में आग लगती है इनको मजा आता है आग लगे बस्ती में हम तो रहे मस्ती में यही है वो प्लांट्स तो इनका क्या होता है बार्क कैसा होता है थिक होता है क्यों होता है ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी मैंने पढ़ाया है तो थिक होता है हाँ इसीलिए ऑस्ट्रेलियन बुश फायर आपने सुना है मेडिटेनियन क्लाइमेट की वजह से स्पेन पोर्टुगल में फायर सुना है मेडिट्रेनियन क्लाइमेट की वजह से यूएस के कैलिफोर्निया में हर साल आप सुनते हो फायर आता रहता है फायर आता रहता है क्योंकि दे आर मेडिट्रेनियन क्लाइमेट मेडिटेनियन क्लाइमेट में ड्राई होता है समर्स और उसमें भयानक आग लगती है है ना तो यहां पे अगर आप देखो तो फायर एक फैक्टर है जिस वजह से प्लांट्स यहाँ पे कर गए हैं हर साल आग लगती है उनका थिक बार्क होता है उनको कुछ नहीं रहता अगर कोई बाहर से दूसरा प्लांट इनवेड करना चाहता है इस इलाके को इनवेज स्पीशीज बन के वो तो आग में स्वाहा हो जाता है वो बेचारा मर जाता है लेकिन बाबा मस्ती में रहते हैं इनको कोई दिक्कत नहीं है तो प्लांट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे हीट ड्राई एयर एक्सेसिव वैपोरेशन के खिलाफ स्ट्रगल करते रहते हैं पेड़ कैसा है ओक है मैपल है बीचेस है एलमंड है बादाम। ये सब आपको यहां पर देखने मिलेगा ट्रॉपिकल डेडुअस बायोम अपना घर के पास जो है आसपास देखो मॉनसून क्लाइमेट में देखने मिलता है तो यहां पे डेसीडुअस में पत्ते कब गिरते हैं ये जो अप्रैल मई का महीना होता है ना अप्रैल मई का महीना उसमें बारिश आई नहीं है बिल्कुल सूख चुका है जंगल बुक देखिए जंगल बुक अभी जो नहीं आई थी अभी जो नहीं आई थी जंगल का कानून सूखे के वक्त में सबको पानी मिलेगा तो वो वाला तो जो टाइम होता है ना पीक गर्मी जब होती है उस टाइम में सॉयल में मॉइस्चर नहीं होता तो सारे पेड़ क्या करते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं और इस तरीके से यहां पे ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट आपको देखने मिलता है जो कि आप देखो तो ड्रॉट डेसीडुअस फॉरेस्ट ड्राई फॉरेस्ट या ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है जैसे टीक नीम साल शीशम सैंडलवुड खैर मलबरी ये सब क्या है कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज है मानसून है इसलिए सीजनल कैरेक्टरिस्टिक है वहीं यूके साइड जाओ यूरोप में जाओ तो वहां भी आपको डेसीडुअस फॉरेस्ट देखने मिलता है लेकिन अंतर क्या होता है वहां पे जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है ना विंटर्स के पहले आता है अभी जो टाइम था ऑटम ऑटम सीजन होता है उनका वो पतझड़ का सीजन होता है क्यों क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं, में जो भी मॉइस्चर है वो जम जाएगा तो प्लांट क्या करता है पत्ते गिरा के तैयार हो जाता है पानी की कमी होने वाली है तो पहले से पत्ते गिरा के तैयार है ठीक है इसके बाद होता है डेजर्ट बायोम बीस से तीस प्रतिशत ऑफ लैंड डेजर्ट बायोम के द्वारा ऑक्यूपाइड है यहां जो वेजिटेशन होता है इसको क्या कहते हैं जेरो वाटर में जो रह सके करीबन जीरो, जीरो नहीं या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट जैसे कैक्टस जैसे डॉसेसिया ग्रासेस होते हैं बबूल वबूल ये सब क्या है जेरोफाइटिक वेजिटेशन है तो यहां पे जो ये प्लांट्स होते हैं ना इनका जो रूट होता है काफी डीप भी होता है और हॉरिजॉन्टली भी काफी फैला हुआ होता है इससे क्या होता है जहां भी थोड़ा सा पानी मिलेगा उसको खींच लेंगे तो डेजर्ट श्रब्स का लॉन्ग रूट होता है वेल स्पेस्ड आउट होता है कि मॉइस्चर कहीं से भी मिले ग्राउंड वाटर में कहीं भी पानी मिले उसको खींच तान के तैयार हो जाएंगे प्लांट्स में अगर आप देखें तो लीव्स ज्यादा नहीं होते फ्यू टू नो लीव्स होता है इसके सिवा आप देखोगे जो फोलियाज है जो टेक्सचर है वे कैसा है वैक्सी है लेदरी है ऐसा होने से क्या होता है कि जो वाटर लॉस हो रहा है सबसे पहले तो कोशिश होता है कि पत्ता हो ही ना पत्ता नहीं होगा तो क्या होगा कि ट्रांसपेरेशन होगा ही नहीं तो वाटर का लॉस ही नहीं होगा सब क्या हो गया है आप देखो तो पत्ता हटा दिया है अगर होता भी है तो थिक होता है जिसमें शाइनी होता है जिसमें अगर आप देखोगे तो इजीली इवापोर इवापो ट्रांसपेरेशन नहीं हो पाता इसके सिवा क्या होता है हेयरी होता है नीडल शेप्ड होता है क्यों क्योंकि भाई डेजर्ट इकोसिस्टम में सिर्फ प्लांट्स थोड़े ही हैं एनिमल्स भी तो हैं एनिमल्स भी क्या करते हैं वो बियर ग्रिल्स की तरह घूमते रहते हैं मुझे पानी नहीं मिल रही तो सबसे पहले बियर ग्रिल्स क्या करता है कोई कैक्टस वैक्टस काट के उसको सोख लेगा उससे पानी खींच लेगा पी जाएगा उसका पानी काट के खा जाएगा कहेगा खाता हूं तो भी मुझे मॉइस्चर मिल जाता है तो इसी प्रकार के कई जानवर घूमते रहते हैं उनको क्या करना है वो प्लांट को खा जाएगा मॉइस्चर ले लेगा तो इसलिए वो लोगों ने क्या अडेप्टेशन कर लिया है नीडल्स लगा लिए खा के दिखाओ आओ खाओ खा के दिखाओ ठीक है तो यहाँ पे सीड्स अगर आप देखो तो बहुत थिक होता है इन प्लांट्स का क्यों क्योंकि टफ स्किन होता है क्योंकि काफी लंबे टाइम तक सीड क्या होगा डोरमेंट पड़ा रहेगा मान लो सीड क्या हुआ प्लांट ने जनरेट किया सीड उड़ के कहीं गिरा अब डेजर्ट है सूखा है वातावरण में बिल्कुल भी पानी नहीं है सीड को ग्रो करने के लिए अनुकूल नहीं है तो क्या होना होगा उसको डोरमेंट पड़े रहना होगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा पड़ा रहेगा फाइनली जब बरसात की बूंद आएगी तो सीड वापस उससे प्लांट लग जाएगा तो इतना लंबा टाइम बिताना है ना तो उसके लिए स्किन होता है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो असर है उस पर मिनिमल हो और साथ ही साथ उसमें कुछ न्यूट्रिशन भी उस बीच के लिए हो मैन वर्सेस वाइल्ड तो कुछ भी खा लेता है सर हाँ डेजर्ट वाला तो अलग ही सीन है उसका चलिए नेक्स्ट है ग्रासलैंड बायोम ग्रासलैंड बायोम अगर आप देखे स्टेपी और टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम है ये प्रैक्टिकली ट्रीलेस होते हैं ग्रासेस यहाँ पे अगर आप देखें तो शॉर्टर होते हैं तो न्यूट्रिशियस नहीं होता हो सकता है कुछ का होता होगा का नहीं होता, को न, आप देखोगे जो कैमल वैमल होते हैं खुलेआम खाते रहते हैं हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ तो जो थोड़ा सा ड्राई एरिया है कैक्टस को खूब कैमल खा जाते हैं कोई दिक्कत ही नहीं होती उनको तो ये हो सकता है शायद किसी का होता बाकी का नहीं होता। था सकते हैं। आपको देखने मिलेगा 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड वाले इलाके में 15 से 30 डिग्री लैटिट्यूड वाले इलाके में कॉन्टिनेंट के बीच में और वैसे ही स्टेपी ग्रासलैंड बायोम आपको मिलता है आप देखोगे कुछ तीस से पचास डिग्री वाले लैटिट्यूड में के बीच में तो सवाना देखते हैं ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायोम जो है ट्रॉपिकल रीजन का ग्रासलैंड है तो यहां पर तो तो देखा होगा ऐसे, ऐसे ऐसे एक पेड़ होता है फिर ग्रासलैंड 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 ग्रास दूर में अगर देखोगे फिर एक छोटे हाइट का चौड़ा सा ऐसा पेड़ होगा फिर ग्रासलैंड 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 तो ये वाला जो ग्रासलैंड बायोम है इसको कहते हैं सवाना ट्रीज कैसे होते हैं डिसीडुअस होते हैं अपने पत्ते गिराते रहते हैं ड्राई सीजन में क्योंकि तो एक्सेसिव पानी का लॉस बचाना है सवाना बायो में मैमल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इसलिए इनको जूलॉजिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं जूलॉजिकल पार्क ऑफ वर्ल्ड जूलॉजिकल पार्क यानी जू तो सवाना बायोम में आप देखोगे हाथी मिलेगा बाइसन मिलेगा जीब्रा मिलेगा जिराफ मिलेगा मतलब काफी बड़े बड़े जानवर रिच एनिमल्स आपको देखने मिलते हैं वैसे ही टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम है इसकी खासियत क्या होती है ये ट्रीलेस होता है सवाना बायोम में तो ट्री होता है दूर दूर यहाँ पे ट्री नहीं होता ग्रास भी यहाँ पे सवाना बायोम में जो ग्रासेस होते हैं दे आर लॉन्गर यहाँ पे जो ग्रासेस होते हैं ये shorter होते हैं जूसी होते हैं न्यूट्रिशियस होते हैं और इस वजह से इनको जब कैटल्स कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए बड़ा फायदेमंद होता है सवाना में तो क्या है पूरा रफेज है ड्राई सा है खाओगे कुछ नहीं मिलेगा लेकिन ये न्यूट्रिशियस रहे न्यूट्रिशियस होता है टेम्परेट टेम्परेड यहां पे अगर आप देखोगे तो तो जो कैटल इंडस्ट्री है काफी अच्छी वेल होती हुई दिख रही है स्टेपी में टेम्परेड ग्रासलैंड बायोम में तो इसी में अगर आप देखें तो जैसे आप पोलवर्ड जाओगे पोल के तरफ जाओगे प्रेसिपिटेशन थोड़ा बढ़ता है तो वहां पे कुछ वुडेड पेड़ वेड़ भी दिखने शुरू हो जाते हैं जहां पे धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे बोरियल वेजिटेशन से मुलाकात आपकी हो जाएगी कुछ नॉर्दर्न पार्ट में कुछ बोरियल वेजिटेशन से यहां पर वो ब्लेंड कर जाएगा ग्रासलैंड बायोम ठीक है फिर है एक्वेटिक इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं उन प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी को जो वाटर बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है नाम से ही एक्वेटिक का मतलब पानी है तो इनको सैलिडिटी के आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में मरीन इकोसिस्टम में ब्रैक इकोसिस्टम में तो फ्रेश इकोसिस्टम क्या होता है जहां पे पानी क्या है कंटिन्यूसली साइकिल हो रहा है और लो सॉल्ट कंटेंट है लेस देन फाइव पार्ट्स पर थाउजेंड है फाइव पार्ट्स पर थाउजेंड से कम हो जिसकी सेलिडिटी उसको क्या कहेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दो टाइप के फ्रेश वाटर इकोसिस्टम देखने मिलते हैं याद रखिएगा है हमेशा एक होता है लेंटिक दूसरा होता है लोटिक लेंटिक का मतलब स्टेटिक है जहां पानी मूव नहीं कर रहा जैसे इस पौंड का पानी आपके घर के पास तालाब है पोखर तालाब लेक है स्वैम्प है बॉग है तो उसमें पानी क्या टिका हुआ है बरसात का पानी जमा हो गया है टिका हुआ है वो कैसा है टिक इकोसिस्टम दूसरा फ्रेश वॉटर इकोसिस्टम होता है लोटिक जो पानी लोट रहा है यानी मूव कर रहा है जैसे नदियों का पानी है ना स्प्रिंग्स माउंटेन्स झरना ये सब क्या है लोटिक इकोसिस्टम है क्लियर है लेंटिक और लोटिक याद रहेगा फ्रेश वॉटर इको सिस्टम लोटिक यानी मूविंग वॉटर रनिंग वाटर लेंटिक यानी स्टेटिक वॉटर लोटिक मतलब लोटने वाला मूव करने वाला जैसे नदी का पानी झरने का पानी क्लियर मरीन इकोसिस्टम क्या हो गया वो वाटर बॉडीज जिसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन 35 फाइव पार्ट पर थाउजेंड के करीब हो जैसे समुद्र का पानी शैलो सी ओपन ओशन ये सब क्या है मरीन इकोसिस्टम है फिर होता है ब्रैकेश इकोसिस्टम जिसमें पांच से पैतीस के बीच में हो जिसकी साइनलिटी फाइव पार्ट्स पर थाउजेंड से लेके थर्टी फाइव पार्ट पर थाउजेंड के बीच में होती है जैसे एस्टुरी, ये नदी देख रहे हो समुद्र में मिल रही है समुद्र का खारा पानी पीछे आ रहा है नदी का मीठा पानी मिल रहा है तो ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है ये कैसा है एस्टुराइन इकोसिस्टम है कैसा है ब्रैकेश वाटर है वैसे ही मैनग्रोव स्वैम्स होते हैं जहां पे मीठा पानी नमकीन पानी मिक्स कर रहा होता है सॉल्ट मार्शेस होते हैं नदी का पानी मीठा पानी या फिर बरसात का पानी है और समुद्र का पानी दोनों मिक्स कर रहा है बैक में, तो वो सब कैसा है ब्रैकिश वॉटर इकोसिस्टम है तो यहां तक कहानी समझ आई तो कल हम करेंगे आगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं एक्विटिक हैबिटेट्स के बारे में और हम चर्चा करेंगे रामसार साइट्स बढ़ेंगे और ये सब हम कल चर्चा करने वाले हैं तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें तो बाकी मंडे टू फ्राइडे ज्योग्राफी चल रही है उसमें जरूर जुड़िए ओशनोग्राफी हम खत्म करेंगे जल्दी थ्री थर्टी पी एम पेमसी क्यूज भी होते हैं आज कोई मास्टर क्लास नहीं है बाकी यूपीएससी सी प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है सुपर कोचिंग जिसमें आपको एक साल की सब्सक्रिप्शन मिलती है उनतीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में ये तब है जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें आपको जीएस कोर्स मिलता है ऑप्शनल कोर्स मिलता है टेस्ट सीरीज मिलती है स्टडी नोट्स मिलते हैं और सुपर टीचर्स के द्वारा भी कोर्सेज हैं इसमें तो ये जो अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं बिल्कुल नया कंटेंट वही आपको एज इट इज हम अपने ऐप पर भी दे रहे हैं एनी स्पीशीज लिव इन स्टेटिक वाटर बॉडी हाँ कल पढ़ेंगे ना हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जब पढ़ेंगे निखिल तो हम देखेंगे कैसे स्पीशीज रहते हैं स्टेटिक वाटर बॉडी में तो रहता ही है ना पौंड में जाओगे कितनी मछलियां होती हैं है ना कितना अलग अलग आपको सब कुछ देखने मिलेगा टॉटोइ टर्टल सब कुछ देखने मिलेगा स्टेटिक वाटर बॉडी में बिल्कुल रहता है पौंड में लेक में देखो जाके सब कुछ मिलेगा कल भी होगा क्लास कल रिकॉर्डिंग होगी कल रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा आशा कल रिकॉर्डेड सेशन आपको मैं दे दूंगा तो आप जरूर जुड़िएगा ठीक है तो फिर आज की क्लास यहीं पर करते हैं समाप्त तो जब भी सब्सक्रिप्शन लें आप आपके दोस्त मेक श्योर sure आप जो कूपन कोड यूज कर रहे हैं दैट इज लेकिन क्योंकि जब आप ये सुपर जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे सुपर कोचिंग की यूजिंग दिस कूपन कोड तो आपको मिलता है नंबर वन मैक्सिमम डिस्काउंट नंबर टू जितने भी हमारे फ्री कोर्सेज होते हैं जैसे मैंने आपको जियोग्राफी पढ़ाया एनवायरमेंट पढ़ा रहा हूं तो ये सब हम रन कर पाते हैं तभी कर पाते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कूपन कोड किंजल तो आप या आपके दोस्त कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज दिस कूपन कोड सो दैट हम ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आप सभी तक ला सके थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बाय बाय टू टेक केयर हैव अ ग्रेट डे